दिस प्लेस। तो अब मैंने सोचा कि देखो, सबसे गर्मा गर्म जो टॉपिक आजकल चल रहा है वो है लोकसभा इलेक्शंस 2014, राइट? ओके, अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज, सो हाउ मेनी मोदी सपोर्टर्स एंड हाउ मेनी केजरीवाल सपोर्टर्स एंड राहुल गांधी, एनीवन? ओके, तो मैंने सोचा कि इन तीन फ्रंट रनर्स के सपोर्टर्स, डाई हार्ड फैंस, अगर यहाँ बाहर गल्ले पे चाय पीने जाएं तो कैसा सीन होगा? ओके, तो मैं चाय वाला हूँ एंड नाउ द सपोर्टर्स आर गोइंग टू कम, एंजॉय। हेलो, साड़ी में डाल। हेलो, हाँ मम्मा, हाँ हाँ खा रही हूँ मम्मा, हाँ। अरे अरे आइए ना साहब, चाय पीजिएगा। अरे साहब, 10 रुपया की है, लूट रहे हो पूरे देश को। इतनी महंगी चाय, चलो मिला दो, देखे तो सही कहा है तुम्हारी चाय। सर लीजिए ना, आपके में अगर सर देखो, थैंक यू। अरे बच्चा को भी पिलाओ चाय। हाँ तो जो पिएगा वही पिलाओ। What I'm trying to say here is that the point that I'm trying to prove is that what a chai chai again, you know, you have a coffee please for women empowerment and RTI. अच्छा, हाँ हाँ, तो मेरे को तो लग रही है चाय है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। अभी अभी स्पाइडी सेंस से पता चला है ये आदमी मिलावट वाला दूध बेचता है। हम कौन है? हम इस देश के सताए हुए लोग हैं, हम कैसा इंतजाम लगा सकते हैं ऐसे? ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको। हमारी बात सुन लो यार, हमने बनाई है चाय हजार, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है ठीक है, आपको अगली बार हम अच्छा चाय बनाकर दिखाएंगे एक बार। वैसे आप माफी क्यों नहीं मांग लेते एक बार, तो जरूर होगी अब की बार मोदी सरकार। और आप लोगों के उंगली से इंक वोटिंग का दाग नहीं मिटा था, आपका दिल्ली सरकार गिर गया था और आप देश चलाने का सपना देख रहे हैं। और आप तो बेटा बॉर्नविटा पीजिए। The next play for the evening is Lal Salon, director Mayank Khatri.